ये ये बात देखो मैं समझता हूँ कि रियल लाइफ में आपके पास एक डाइवर्सिटी होती है जैसे आप लोगों के काम करते हो तो आप चाहोगे कि ऑन स्क्रीन भी वैसा दिखे नाइनटीन सिक्सटीज या फिफ्टीज अभी नहीं चल रहा है और वो डाइवर्सिटी की कोशिश किए हुए थे लेकिन स्टोरी के कॉस्ट पे पर डाइवर्सिटी की बात कर रहे हो अरे जो जो मतलब अलग अलग तरीके के लोग होने चाहिए इसमें अलग रंग के होने चाहिए अलग जेंडर्स के होने चाहिए मैं बात एक्सेप्ट करता हूँ हमारे भी दोस्त हैं हम लोग भी मिलते हैं कोई कोई मोटा होता है कोई पतला होता है छोटा कोई दिक्कत नहीं है उसमें आप कुछ चाहते हो कि वो भी चीज़ रिप्रेजेंट हो लेकिन स्टोरी के कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए मतलब मेरा मैं कंफ्यूज़ इसलिए क्योंकि हम लोग जेन फोस्टर फॉस्टर की बात कर रहे थे और तुम अचानक से डाइवर्सिटी पर जम करके हाँ नहीं तो जेन फॉस्टर को लाना डाइवर्सिटी हो गई क्या हाँ नहीं आपको देखो ये एक्चुअली मुझे ये... लगता है जेन को डाइवर्सिटी की वजह से तो नहीं लाए थे हाँ? लेकिन उनका जो पर्सपेक्टिव था ना कि थॉर के लिए भी कोई लव इंटरेस्ट होना चाहिए हाँ? और और क्या है कि और मेरे को लगता है टाइका उससे ज्यादा तो वो उस उसपे उसके मूड में था कि भाई वो जो अपना माइटी थॉर वाला एंगल है ना वो पकड़ के लाते हैं क्योंकि कॉमिक्स में भी यही होता है ना कि हैमर उसका अनवर्दी हो जाता है थॉर तो फिर वही उठाती है

किया जाए शुरू जब कोई टॉपिक ना हो <laughs> तो टॉपिक खोद के निकालना पड़ता है, यस। है। और सबसे बड़ी रस की, कौन सी है रस बनाई। <laughs> उसकी बात नहीं करेंगे हम कभी।, <laughs> कभी नहीं, <laughs> नहीं। मैं पता है थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन होगा मेरा बट मेरे को थॉर रैग्नारोक भी जितनी लोगों को पसंद है उतनी पसंद नहीं है मेरे को मतलब अच्छी लगती है मूवी ऐसा नहीं कि मूवी खराब लगती है बट मैं उसको थोड़ा सा मिड से थोड़ा ऊपर रखूंगा बस मैं मैं जैसे लोग उसको बिल्कुल अच्छा। ऊपर रखते हैं ना एकदम टॉप टेयर मूवी मैं मैं वैसा नहीं मानता उसको अगरे तो